खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल राजस्थान में बहुत बुरा हाल है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रशासन को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। दिन के साथ ही रात की भीषण गर्मी और उमस से भी लोग बेहाल है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 4 से 5 दिनों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। वेस्ट राजस्थान में हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन यानी लो से प्रचंड लो चलने की स्थिति बनी हुई है, जिसको हमने रेड अलर्ट किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सबको सब गाइडेंस भी मिल रही है कैसे क्या करना है, धूप में निकलना है नहीं निकलना है, ये सारा चल रहा है। लेकिन फिर भी आप जो टेम्परेचर की बात करें तो चूरू और गंगानगर का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा रहा है। आप जानते हैं राजस्थान का चुरू वो जिला है जो देश का सबसे गर्म जिला है। जी हाँ, पिछले 4 दिनों से चुरू का तापमान 50 डिग्री के करीब बना हुआ है। चुरू में गर्मी का आलम यह है कि लोग इन दिनों अपने घरों से निकलना ही गवारा नहीं समझ रहे। लगातार पड़ रही तेज गर्मी के चलते चुरू की सड़कें पिघल रही हैं। प्रशासन लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। ये प्रशासन वो है जो कि आग बुझाने के लिए काम आने वाली मशीनों को सड़कों पर, डामर की सड़कों पर पानी बहाने का इस्तेमाल कर रहा है। गर्मी में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चुरू के अस्पतालों में अतिरिक्त तैयारियां भी की गई हैं। तो गर्मी की इन खबरों के बीच अब आपको राजस्थान के भीलवाड़ा की एक तस्वीर दिखाते हैं। परसा रामपुरा गांव की तस्वीरें हैं जहां पर पानी की चोरी लोगों के लिए बन गई है मुसीबत। कैसे समझिए, आलम यह है कि लोग पानी को बचाने के लिए पानी के ड्रमों पर ताले लगा रहे हैं। इस गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन यहां पर पीने का पानी हफ्ते में एक बार सप्लाई करता है। सोचिए, हफ्ते में एक बार, इससे गांव वालों की मुसीबत दुगनी हो गई है। बड़ी समस्या हो रही है, लोगों को 10 दिन में एक बार टैंकर मिलता है, वो भी ड्रम भरते हैं, उसको भी ताला लगा के रखते हैं, एक ड्रम को 10 दिन चलाना पड़ता है। गाय भैंसों के लिए पीने का पानी नहीं है और आदमियों के पीने का पानी नहीं है, 10 दिन में एक बार टैंकर आता है। ताला नहीं लगाते तो पानी चोरी हो जाता है। बिल्कुल, रात में पानी चोरी हो जाएगा अगर ताला नहीं लगाएंगे तो। ड्रमों के ताला लगा के रखते हैं। वहाँ पर हमारे भी ध्यान में आया है कि 7 दिवस में एक बार पानी वहाँ दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक की माइनिंग एरिया के पास का गाँव है और CSR में उन्होंने इसको गांव को गोद ले रखा है और रिस्पांसिबिलिटी ले रखी है कि वो पानी पहुंचाएंगे। मेरी अभी उनके प्रशासन के शीर्ष से बात हुई है और उन्होंने कमिटमेंट किया है कि अब 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर ये पानी हर हालत में वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। जहां हफ्ते में एक बार पानी मिलेगा वहां और क्या होगा। अब बात देश भर के मौसम ही कर लेते हैं। देखिए, भीषण गर्मी और सूखे ने जोधपुर के एक गांव का क्या हाल कर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस इलाके से आते हैं। जोधपुर जिले का गांव है जाजीवाल गहलोता। ये शहर से केवल 35 किलोमीटर दूर है। पिछले कई सालों से यहां बारिश ना के बराबर हुई है। इस बार तो भीषण गर्मी ने पानी के सारे स्रोत सुखा दिए। तालाब में पानी इतना कम है कि मछलियां छटपटा रही हैं। यहां की महिलाएं गड्ढा खोदकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, परिवार को पिलाने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है। सरकार की तरफ से बनवाई गई पानी की टंकी केवल दिखावे के लिए है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि इनमें टैंकर से पानी भरकर पूरे गांव में सप्लाई का वादा तो किया, लेकिन ये वादा अब भी अधूरा है। मैं बूंद बूंद के लिए ये तरस रहे हैं लेडीज। सुबह 2 बजे से ये बूंद बूंद पीने के लायक पानी नहीं है, फिर खुशबू मारता, फिर गर्मी के चक्कर में ये पानी पीना पड़ता है। ये ठेकेदार ने 6 महीने पहले लाइन बिछाई थी, वो पानी परिसर से फूट जाता है। तो प्रशासन को बताते हैं तो बोलता है तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। समस्या तो सर काफ़ी लंबी समय से चल रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको निपटाने की। जो हमारा जो पानी है वो ना लोहड़ी से आता है, तो लोहड़ी के उधर एक 12 इंच की ना पाइपलाइन डाल रखी है और हमारे गांव तक को जो पानी पहुंच रहा है वहाँ पे पाइपलाइन है वो 6 इंच की है। तो उससे क्या होता है, जो 12 इंच की जो पानी पाइपलाइन है वो जो मोटी है तो उससे 6 इंच वाली पे ना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, वो लीक हो जाती है, तो वहाँ से वो पानी सारा वहीं तक रह जाता है और हमारे गाँव तक नहीं पहुँच पाता है। तो हमने ठेकेदार से बात कर ली और नई पाइपलाइन डलवाने के लिए
जल्दी जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं।